नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में जरीपटका थाना अंतर्गत कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक के भतीजे का हुआ अपहरण, दो आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश जारी। आरोपी ने क्लब हाउस ऐप पर झूठ बोलकर लड़की को फंसाया अपने जाल में, शारीरिक संबंध प्रस्थापित करने के लिए लड़की को किया मजबूर। और वर्धा में खेत के कुएं में मिला एक नाबालिग लड़की का शव, सांसद रामदास तड़स ने ली घटना की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक के भतीजे का अपहरण होने की घटना सामने आई है। अपहरण हुए युवक का नाम प्रदीप मोतीराम रामानी है। आज सुबह प्रदीप के ही मोबाइल से अपहरणकर्ता ने प्रदीप के घर पर फोन करके दोपहर 12 बजे के पूर्व 30 लाख रुपए देने की मांग की। वह मांग पूरी ना होने पर प्रदीप को जान से मारने की और उसकी लाश घर पहुंचाने की धमकी भी दी। तुरंत परिजनों ने जरीपटका पुलिस स्टेशन के पीआई को फोन करके उन्हें घटना की जानकारी दी। पुलिस ने समय न गंवाते हुए एक्शन लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस विभाग ने कम समय में सराहनीय काम किया। चार अपहरणकर्ताओं में से दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। प्रदीप को ढूंढकर उसे सही सलामत घर लाया गया है और अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है। आज सवेरे हमें इसी की मोबाइल से, यानी जो अपहरण हुआ हमारा भतीजा प्रदीप मोतीरामानी, उसके मोबाइल से फ़ोन आया। किडनेपर ने हमसे डिमांड रखी कि 30 लाख रुपए हमें दिए जाए 12 बजे के पहले, और मैं 12 बजे के पहले आपको फ़ोन करूंगा। हमने हमारे घर के लेडीज़ से ही उनसे बात कराई, ताकि हमारा जेंट्स का भी उन्हें डर लग सकता, इसलिए हमने लेडीज़ से ही बात कराई। और लेडीज़ से बड़े इत्मीनान से उन्होंने बात की और कहा, हमने ये भी कहा उन्हें लेडीज़ ने कि हमें प्रदीप से बात कराइए, ताकि हमें भी तो पता पड़े कि वो प्रदीप आपके पास है कि नहीं है। मगर उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और साफ कहा कि अगर आपको बात करनी है प्रदीप से, तो आपको मैं लाश भेज देता हूँ, इसकी आप कर लेना उससे बात। तो पूरा घर, हम पूरे परिवार, मित्रगण सब टेंशन में आ गए। आखिर हम दूसरा कोई विकल्प ना होने के कारण 12 बजे तक का इंतज़ार करना ही, और वो खुद भी जो आरोपी था उसने खुद भी हमें कहा कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है। ते रात्रीपासून मिसिंग आहे आणि त्यांचे फॅमिली मेंबर्सला एक कॉल आला होता रॅन्सनसाठी आणि 30 लाख रुपयाची डिमांड होती, नाहीतर ते त्यांचे लाश आम्ही घरी पाठवणार, अशा प्रकारची कॉल आला होता। आणि ते इन्फॉर्मेशन पोलीस स्टेशनला आल्यानंतर लगेच सर्व यंत्रणा कामावर लागलेली आहे आणि आरोपी निष्पन्न झालेली आहे। आरोपीला ताब्यात घेण्याची प्रयत्न सुरू आहे आणि ऑलरेडी आरोपीचे मागचे 2-3 तासापासून आमचे पोलीस पथक लागला होता। आता जे विक्टीम आहे ते सुखरूप परत आलेली आहे आणि आता पुढील तपास सुरू आहे। यामध्ये किडनॅपिंग फॉर रॅन्सम आणि एक्सटॉर्शन विथ द थ्रेट फॉर मर्डर अशा प्रकारचे वेगवेगळे कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आहे। अमरावती से गांजे की भारी तस्करी का खुलासा हुआ है। हाल ही में पुलिस कार्रवाई में 435 किलो गांजा जब्त किया गया है। स्थानीय अपराध शाखा को जैसे ही आंध्र प्रदेश से अमरावती तक गांजे की भारी तस्करी की सूचना मिली, उन्होंने गांजा की तस्करी को नाकाम कर दिया है। 74 लाख का माल जब्त किया गया है। चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। स्थानीय अपराध शाखा द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई को लेकर चंद्रपुर रेलवे थाने के पुलिस निरीक्षक विलास कुलकर्णी आगे की जांच कर रहे हैं। 2 तारखेला एक माहिती मिळाली, एक गांजा वाहतूक चांदूर रेल्वे विभागातून होत आहे, होणार आहे। याबद्दल तिथे या माहितीनुसार तिथे ट्रॅप लावला गेला आणि सुमारे मग त्या ट्रॅपमध्ये गाडी पकडण्यात आली। 435 किलो गांजा हा जप्त करण्यात आला। पंच वगैरे करून सर्व ऑफिशियल कारवाई करण्यात आली आणि आता जे मुख्य, आता चार आरोपी आहेत ताब्यात, त्यानंतर आता मुख्य आरोपी कोण आहेत, कुठे चालला गांजा, कुठे चालला होता, त्याचे वितरण कुठे केले जाणार होते, याबद्दल सविस्तर तपास आता पुढे करीता। असे कुठेही कोणते अवैध व्यवसाय चालू असतील, चालू जुगार, वरळी मटका, पत्त्याचे क्लब, गांजा कोणते प्रकार चालत असतील, तर कृपया जागरूक नागरिकांनी नजीकच्या पोलीस स्टेशनला ही कृपया माहिती देण्यात यावी, योग्य ती कारवाई करण्यात यावी।
काल झालेल्या कारवाईमध्ये एकूण 4 आरोपितांना पकडण्यात आलेलं आहे. त्यांच्याकडनं 435 किलो गांजा जो आहे तो पकडण्यात आलेला आहे. हा जो गांजा आहे हा ओडिशावरून आणून अमरावती शहर त्याचप्रमाणे नेरपिंगळाई या ठिकाणी हा गांजा जाणार होता. आशीष शेलार ने एक पत्र में पूछा था कि क्या ठाकरे के समूह को पेंगविन सेना कहा जाना चाहिए. उनका मत था कि भाजपा को कमलाबाई कहा जाता है. इस पर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि महिला के नाम से चिढ़ाना एक महिला का अपमान और एक माँ का अपमान है. मुनगंटीवार ने निशाना साधा कि विकृत मानसिकता वाले लोगों ने ऐसा संदर्भ दिया होगा. उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग सावित्री बाई को कभी नहीं समझ पाए. मला वाटतं की ही मानसिक कमजोरी आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या संदर्भात मत व्यक्त करताना की कमलाबाई म्हटल्यानी भारतीय जनता पार्टीचा अवमान होईल अशी जर कोणात भावना असेल तर त्यांना आपली आई समजली नाही. कोणतीही आई ही पहिल्यांदा बाई असते आणि स्त्रीच्या संदर्भात अशी भावना अशी निम्न शब्द वापरणं स्त्री ही कमजोर आहे अबगा आहे भारतीय जनता पार्टी म्हणजे कमलाबाई म्हणजे अबगा आहे अशा पद्धतीचा भाव व्यक्त करणं हे 18व्या शतकातलं बुद्धीचं द्योतक आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा वारसा अशा लोकांना कधी समजलाच नाही की आपण भारतीय जनता पार्टीचा अवमान करण्यासाठी कमलाबाई म्हटलं म्हणजे अवमान होतो अपमान होतो. ही भावनाच ही मानसिक बुद्धी कमी आहे ही दर्शवणारी आहे. पुलिस स्टेशन धंतोली में पिछले महीने अगस्त में धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें फिरियादी और आरोपी इनकी 3-4 महीनों पूर्व क्लब हाउस ऐप पर मेंबरशिप के जरिए दोस्ती हुई थी. दोनों के बीच चैटिंग होती रहती थी. कुछ दिनों बाद आरोपी ने फिरियादी को चैटिंग पर ही अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया. उसी ऐप पर झूठे माँ बाप दिखाकर लड़की का विश्वास जीता और शादी के लिए पूछा. लेकिन जब लड़की ने इनकार कर दिया तो लड़के ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करने के लिए मजबूर किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी कर दी है. हमारे यहाँ पे पिछले महीने में एक 376 आईटी एक्ट का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था. उसमें की जो विक्टिम है उसकी एक गुने के आरोपी के साथ क्लब हाउस ऐप पे ऑनलाइन मेंबरशिप रजिस्टर करने के बाद एक फ्रेंडशिप हुई थी. फ्रेंडशिप के बाद वो लोगों में आपस में चैटिंग होती थी और चैटिंग के दरम्यान कुछ ही महीनों बाद आरोपी ने विक्टिम को प्रपोज भी किया था. विक्टिम ने जब उसको इनकार किया तो आरोपी ने इमोशनली विक्टिम को ये भी बताया था कि मैं एक बड़े जी न्यूज़ का पत्रकार हूँ और मेरे माँ बाप बिजनेसमैन है. और उसने उसी वो क्लब हाउस मेंबरशिप के जो कोई जो मेंबर्स है उनको उसके नकली माँ बाप बना के वो विक्टिम के साथ बात भी करवाई थी. हमारा लड़का अच्छा है वगैरह ऐसा कुछ. तो उससे उसने विक्टिम का एक विश्वास संपादन किया था और विक्टिम को प्रपोज किया और फिर उसको नागपुर मिलने के लिए भी बोला था. जब भी विक्टिम ने उसको इनकार किया तो आरोपी ने विक्टिम को एक मैसेज भी किया कि मैसेज ये किया कि यू कम विथ मी रिलेशनशिप अदरवाइज आई विल किल यू माई सेल्फ ऑल्सो आई विल किल यू यू ऐसा कहीं ऐसा कुछ मैसेज किया था. उस वजह से और आरोपी ने एक बड़े न्यूज़ चैनल का पत्रकार और घर का कुछ कंडीशन बैकग्राउंड अच्छा है बताने के बाद फिर वो विक्टिम ऑब्वियसली वो आरोपी की फ्रेंड बनी. और वो नागपुर में जब एक होटल में मिले तो होटल में आरोपी ने वो विक्टिम के साथ ज़बरदस्ती रिलेशन बनाए और रिलेशन के जो वीडियो थे वो सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं उसने और वो वायरल भी किए हैं. यहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेशन चालू था. आरोपी ने जब विक्टिम के साथ बात की थी तो उसका रहने का पता दिल्ली बताया था और नकली आईडी भी बताया था. लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद आरोपी का असली नाम राकेश ओझा रहना जमशेदपुर ये पता चला है. और वो कोई जी न्यूज़ का पत्रकार वगैरह नहीं है बल्कि वो एक जर्नलिज्म का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है. उसके माँ बाप भी साधारण यानी आम लोग ही है. राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर लगे स्पीड ब्रेकर वाहन चालकों के लिए घातक होते जा रहे हैं.
शनिवार 3 सितंबर को दोपहर 1 बजे के बीच वनी की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्टेट हाईवे नंबर 319 पर उमरी गांव के पास ब्रेकर को टक्कर मार दी और सड़क किनारे यात्री आश्रय के सामने खड़ी टाटा एस वाहन पर पलट गया। इसमें टाटा एस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि वाहन में कोई चालक या कोई अन्य व्यक्ति नहीं था और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मिली जानकारी के अनुसार चोरी का सामान लेकर वनी आ रहे ट्रक नंबर MH40CD9341 ने उमरी फाटा पर स्पीड ब्रेकर को टक्कर मार दी। ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े टाटा एस मालवाहक वाहन से टकराकर ट्रक पलट गया। टाटा एस वाहन का चालक होटल में पानी पीने गया था, इससे उसकी जान बच गई। गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक को वनी ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक से मलबा सड़क पर फैल जाने से कुछ देर के लिए यातायात ठप हो गई थी। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। सबका फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं से किए गए वादों व अन्य मांगों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र की यूनियन संगठना द्वारा आज सांसद सुनील मेंढे के कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस समय मोर्चे में सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भाग लिया। दिलीप उठा ने महाराष्ट्र राज्य आंगनबाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी आयटी राज्य अध्यक्ष है, या ठिकाणी खासदार सुनील मेंढे यांनी लोकसभेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न त्यांनी ठेवावेत आणि त्यांना खरं म्हणजे केंद्र सरकारने काढलेल्या GR ची अंमलबजावणी झाली नाही त्या संदर्भामध्ये सविस्तर या ठिकाणी चर्चा करण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे, त्यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे। मी अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो खासदार सुनील मेंढे यांना की त्यांनी स्वतः येऊन चर्चा पण केली आणि महिलांचं त्यांनी मार्गदर्शन पण केलं। या ठिकाणी केंद्र सरकारने 5 जुलै 2018 जो काही शासन निर्णय काढला आहे की अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि अंगणवाडी कार्यकर्ते विमा योजना, ह्या कार्यकर्ते विमा योजना आणि ह्या सर्व ज्या योजना आहेत ह्या अंगणवाडी कार्यकर्त्याला जर त्याची विमा उतरवला गेला तर निश्चितपणे त्या ठिकाणी प्रामुख्यानं या ठिकाणी त्यांना 2 लाख रुपयापर्यंत आजारापर्यंतची जी ह्या आहे बिल आहे तो माफ होतो। नमस्कार, माझं नाव सौ सविता सदाशिव कुटे, महाराष्ट्र अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन जिल्हा अध्यक्ष आयटक। आज हा मोर्चा आमच्या याच्यासाठी काढलेला आहे की आमच्या ज्या 3 मागण्या आहेत, आम्हाला अंगणवाडी सेविकांना किमान वेतन द्यावं, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा द्यावा आणि आम्हाला पेन्शन द्यावं, कारण की आम्ही अंगणवाडी सेविका जो काम करत आहोत, मातेच्या उदरात जेव्हापासून बाळ प्रवेश करते
तेव्हापासून तो 6 वर्ष होतपर्यंत त्याची आम्ही वर्धा जिले के तलेगांव टालादुले की एक 16 वर्षीय लड़की कल दोपहर गांव के पास एक खेत के कुएं में मृत पाई गई थी। वो 11वीं कक्षा में वायगांव में पढ़ रही थी। 3 दिन तक अपने घर से लापता रहने के बाद कल वो गांव के पास एक कुएं में मृत पाई गई। उसका नाम संगीता हेमंत मोहिजे, उम्र 16 साल है। रिश्तेदारों ने आरोप लगाया है कि लड़की को कुएं में मार दिया गया था। गांव के लोगों व परिजनों ने पुलिस को कुछ देर तक मृतक का शव उठाने नहीं दिया था। हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करो और फिर हमारे बच्चे का शव विकसित करने के लिए ले जाओ, ऐसा आक्रोश माता पिता ने व्यक्त किया था। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए वर्धा के सरकारी अस्पताल में भेज दिया है, लेकिन वहां मृतक लड़की का पोस्टमार्टम होने के बाद भी परिजनों ने अस्पताल में आक्रोश किया कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। वर्धा जिले के सांसद रामदास तड़स और मिलिंद भिंडे ने अस्पताल में परिजनों से मुलाकात की और रामदास तड़स ने परिजनों को आश्वासन दिया कि अपराधी को सजा दी जाएगी। बाद में अलीपुर के पुलिस निरीक्षक सुनील गाड़े ने लड़की से प्रेम संबंध रहने वाले युवक गोपाल फाटे के खिलाफ मामला दर्ज किया। अल्पवयीन मुलीचा घातपात झाला आणि तिचं प्रेत विहिरीत मिळालं। 31 तारखेपासून मुलीचे आई वडील पोलीस स्टेशनमध्ये चकरा मारत होते की माझी मुलगी हरवली, परंतु त्या ठाणेदारांनी मात्र दाद दिली नाही आणि काल अचानक ते मुलीचं प्रेत विहिरीत निघालं आणि आरोपीचं नाव आई वडिलांना पहिलेच सांगितलं होतं। आरोपी गोपाल किसनजी फाटे हा दारू विक्रेता आहे आणि याला अटक करावी म्हणून आज या ठिकाणी बेलदार समाजाच्या वतीने आणि सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीनं मी या ठिकाणी भेट दिल्यानंतर एक निवेदन करण्यात आलं। मी सुद्धा पोलिसला एक यामध्ये हस्तक्षेप करून गोपाल किसान फाटे त्याच्यावर 302 लावावा। दिग्रस शहर में गणेशोत्सव के दौरान नागरिकों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह ट्रैफिक जाम रहता है। सड़क के किनारे कई लोग अपने वाहन पार्क करते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दिग्रस के मनोराज चौक और छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के बीच कई व्यावसायिक दुकान लगाकर बैठे हैं, लेकिन चूंकि नागरिक सभी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने ऑटो और दोपहिया वाहनों को बीच सड़क पर पार्क कर रहे हैं, इसलिए कई बुजुर्ग नागरिकों के लिए सड़क पर चलना भी मुश्किल हो गया है। इसी तरह गणेश उत्सव के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग शहरों में आने से यातायात बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन को सड़क के किनारे पार्किंग स्थल की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसी मांग जोर पकड़ रही है। आज नागपुर के कर्तव्यशील ओबीसी नेता के रूप में नाम कमाने वाले भाजपा के विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने सहपरिवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भेंट की। इस मुलाकात में उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी की कमान संभालने पर मोदी जी का शुक्रिया भी अदा किया। इस समय पूरे परिवार के साथ बावनकुले के छोटे से नाती ने मोदी जी को गणेश प्रतिमा भी भेंट की। इस मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बावनकुले ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशियां लेकर आया है। आज मुझे अपने परिवार के साथ देश के प्रधानमंत्री से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर बावनकुले की पत्नी, बेटा, बेटी, बहू और नाती उपस्थित थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित दिवंगत अन्नाजी कुलकर्णी पब्लिक लाइब्रेरी के स्टडी हॉल में दिन दहाड़े एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। ये भयावह घटना आज शनिवार को शहर के हेडगेवार चौक पर घटी। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि ये घटना आपसी रंजिश के चलते हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक छात्र की पहचान अतुल मंजारी के रूप में हुई है, जबकि आरोपी की पहचान गंगाधर नारायण निखरे 40 पद्मवाड पवनी के रूप में हुई है। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।